गोवर्धन स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायल बैठी ये महिला इलाके के गांव पलसों की है, जिन्हें एक ग्राम समाज की भूमि पर चल रहे विवाद के चक्कर में कोप का भाजन बनना पड़ा। इन घायल महिलाओं की माने तो बताया गया कि इन लोगों का पुराने समय से ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा है, जिसके कारण दूसरे पक्ष से विवाद भी चल रहा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आज आमने सामने खड़े हुए, जहां दोनों पक्षों में जमकर पथराव और फायरिंग हुई। इस पथराव और फायरिंग में महिलाओं के अनुसार इनके पक्ष के दो लोगों को गोली लगी थी और इन पर धारदार हथियार से प्रहार कर भी घायल कर दिया गया। घायल महिला जानकी ने गांव के ही रामू नंद किशोर हरिमोहन पर फायरिंग कर अपने पक्ष के राधा रमन और श्रीधर को गोली मारकर घायल कर देने की बात कही। क्या नाम है आपका? जानकी देवी। ये विवाद कैसे हुआ, किस बात को लेकर हुआ था? साहब हम तो गाय को जाट डाल रहे, हम तो खींच के काटे हैं, इनने खींच खींच के घर में मारे हैं। हम दोनों जनी गाय को जाट डाल रहे, मैं गाय ने लिया, मैंने खींच खींच चोटी पकड़ के मारी, या हम तो लठ दिए ही, मेरा हाथ काट दिया फरसा थी जी। अस्पताल क्या पुराना को विवाद चल रहा था आपका? हाँ जी, 35 साल थे। किस चीज के लिए? गांव की आबादी है, जमीन को लेकर। हाँ जी, हम चार को जीत गए हैं इलाहाबाद। तो गोली किसने चलाई थी इस विवाद में? नंद किशोर ने। तो गोली लगी किसको? रामू ने और नंद किशोर ने और हरिमोहन ने, इन लोगों ने गोली चलाई। हाँ जी। गोली लगी किसको है? बुड्ढे की लगी है और हमारे एक जेठ के लड़का की लगी है, बड़े के। क्या नाम है उनके? राधा रमन। जिसको गोली? हाँ। राधा रमन। और किसको लगी है? और हमारे पिताजी ससुर के जी। क्या नाम उनका? श्रीधर। उनके गोली लगी है? हाँ जी। फिर भी गोली तो ना जमे, फरसाते काटे और जवान लड़का का, वो वैसे ही होता 60 साल को है, पर वो काटे और फरसाते दो तीन थी यहाँ के। वहीं इस विवाद में घायल हुए युवक छेल बिहारी ने बताया कि वो कब्जे की जमीन पर कचरा जला रहा था कि तभी मौके पर रामू आ गया, जिसने कचरा जलाने को लेकर विवाद कर दिया, जिसके कारण उसे आरोपी पक्ष ने धारदार हथियार से घायल कर दिया। घायल युवक ने सूचना के बाद भी पुलिस के लेट आने का आरोप लगाया। क्या नाम है तुम्हारा? छेल बिहारी। छेल बिहारी, ये विवाद हुआ था उस समय आप थे वहाँ, ये चोट कैसे लगी आपको? मैं वहाँ पे कचड़ा पड़ा था, उसे एक साइड करके जला रहा था जी। तभी उसने आकर के उसे बुझा दिया, मैंने कहा इसे जला लेते, इससे क्या हो रहा है। फिर उसने फिर बुझा दिया, चले गया। फिर मैंने उसे जला दिया, फिर एक ने आके मेरे फरसा मारा सिर पे। फिर भाई आए, भाई ने फिर मुँह ले जाके खाट पर सुला दिया। फिर तू और आएगी भी सबरे, फिर साहब आके गोली मार दी और भैया, फिर तो दूसरे भैया आए गए, फिर भी बिन ने लेके खाट पे पटक के। फिर पुलिस को फोन करो, पुलिस ना आई, के बहुत SDM DM सबके का फोन कर लिया, CEO का जो कोई ना आयो, 100 नंबर पे चार को मैंने मिलाया, कोई ना आयो, कोई फोन ही ना उठो। इस मामले में पीड़ित बल्लभ से बात हुई तो उसने बताया कि लगभग 35 वर्ष से जमीनी विवाद चल रहा है, जिसके कारण ये विवाद हुआ है, जिसमें हुई फायरिंग में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज मथुरा के जिला अस्पताल में चल रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है बल्लभ पांडे। कहाँ के रहने वाले हो? सीपल सो गए। क्या मामला है, घटना कैसे? बाबू जी 30-35 साल से केस चल रहा था, उस पर चार जजमेंट हो गए हमारे। किस चीज पे केस चल रहा था? जमीन पे, गांव की आबादी पर जी। और लड़का कचड़ा को जला रहा था, उसमें फरसा दिया और पिताजी में गोली गई है और भाई के लड़का में भी गोली गई है। किन किन लोगों में विवाद हुआ था, दूसरा पक्ष कौन है? ये साहब नंद किशोर, नेक राम और राम और चतुरो और कमलन नंदन हरि किशन रामू महादेव और हरिमोहन किशनो। गोली किसने चलाई थी? किशनो रामू ने और नंद किशोर ने। किस किस को गोली लगी है? गोली लगी है हमारे पिताजी के और आगे। क्या नाम है उनका? उनका नाम है श्रीधर, पिताजी का नाम, और भाई के लड़का का नाम है राधा रमन जी। तो कि जमीन को लेकर विवाद हुआ था? हाँ जी, वो कचड़ा पजा रहे, पन्नी पन्नी सी, ये बच्चा था हम तो। जंगल में हमने सानी गाय को। तो कितने लोग घायल हुए, महिला कितनी घायल हुई है? महिला तीन तो ये जी, और दो जिला हॉस्पिटल में पड़े जी। तो तुम्हारे पिता और भाई को गोली लगी है? हाँ जी, और एक लड़का घर पर हुआ है, उसके भी चोट है। मौके पुलिस पहुंची थी? मौके पे नहीं पहुंची, लेट पहुंची है पुलिस, घंटा डेढ़ घंटा भी।